कलेक्टर विकास मिश्रा ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना के पहले विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी पत्रकार मोबाइल फोन लेकर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। सभी कर्मचारी माइक्रो ऑब्जर्वर कॉलेज के प्रोफेसर प्रधान अध्यापक रसायन अर्थशास्त्र गणित भौतिक विज्ञान आदि से संबंधित कर्मचारी होंगे। मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू होगी। मतगणना स्थल पर समस्त पत्रकारों को निरीक्षण के साथ साथ आवश्यक निर्देश दिए गए। मतगणना स्थल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 103 छैपुरा एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 104 डिंडोरी के स्थलों एवं स्ट्रांग रूम का जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा एवं रिटर्निंग ऑफिसर रामबाबू देवांगन की उपस्थिति में भ्रमण कराया गया और साथ ही उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2023 को नर्मदा महोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार व सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश एवं जिला प्रशासन के सहयोग से नर्मदा उत्सव का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय डिंडोरी में आयोजित की गई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि कार्यक्रम में विभिन्न राज्य के कलाकारों के द्वारा लोकगीत एवं लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। इसमें 5 बीमारियां बच्चों की हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, कुपोषण है बच्चों का, सिकल सेल एनीमिया है और पांचवा जो है खासकर जो थोड़ी बच्चियां हैं जिनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स के इश्यूज हैं, इन पांचों बीमारियों को लेकर हम लोग पहला कैंप गोराखाड़ी में कर रहे हैं। और इस कैंप में हम बच्चों का हम लोगों ने पिंक स्लिप बना रहे हैं उनके, तो हम उसमें ये कर रहे हैं, हमारा सर्वे चल रहा है, तो मतलब हर आदमी नहीं आएगा, जिसके पास पिंक स्लिप होगी उसी को हमारे आमंत्रण वहां आने के लिए है। कई बार कहता है ऐसे कैंप में गड़बड़ क्या होती है, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं तो फिर कई बार उसका इलाज का ड्राइवर तो जिसको जरूरत है वो पहुंच नहीं पाता, बाकी लोग पहुंच जाते हैं। ये जो पिंक स्लिप जिसके पास होगी उसके पीछे क्या होगा कि पिंक स्लिप जब उसका वो भी लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन, ताकि मान लीजिए उसको हमें एम्स भेजना है, जबलपुर भेजना है, तो वही प्रिस्क्रिप्शन स्लिप जो है उसकी हर जगह काम आती जाएगी और उनको रेड क्रॉस का सपोर्ट देना तो दे पाएंगे। तो ये और खासकर वैक्सीनेशन उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी सर्वे के दौरान ही दे देंगे पिंक स्लिप की वहाँ सर्वे तो अलग चल रहा है, पिंक स्लिप में नाम भर के वहीं पर डॉक्टर लिखेंगे। तो ये 22 तारीख को सुबह 10 बजे से कैंप हो रहा है, पहला कैंप है। चूंकि हमें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हमारे यहाँ चूंकि हर धरती कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चुनाव से प्रभावित होती है, तो इसलिए हम लोगों ने ये अपना फैसला किया है। और तीसरा प्रोग्राम 26 तारीख को है, उसका फाइनल ऑफिसर तो आ गया है, उसका अलग से निमंत्रण आप लोगों को पहुँच जाएगा। तो 26 तारीख को भारत सरकार के सहयोग से अपने यहाँ पर नर्मदा उत्सव हो रहा है, रात को शाम को 6 से 9 उत्तर विद्यालय मैदान, जिसमें इस बार उत्तर प्रदेश से ब्रश की होली और लठमार होली ये आइटम है उसमें, राजस्थान में घूमर कालबेलिया भवई, छत्तीसगढ़ में पंडवानी, हरियाणा का पनिहारी और लूर, उत्तराखंड का घसियारी होटल होता है। ये 95 आर्टिस्ट आ रहे हैं अलग, ये सब लोग नीलम होटल कोई है यहाँ पर उसमें रुकेंगे, उनकी टीम आई थी खुद ही बाजार उन्होंने खुद चूज की गई है। मतलब इसमें अच्छा पॉइंट ये है कि सारा खर्चा उनका है और मैनेजमेंट हमारा है, तो माने तो मतलब वो चूंकि वो तो गरीब कह जाएंगे, बाकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जैसे उनके आर्टिस्ट के दोपहर का भोजन हम लोग दीदी कैफे में करवा रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं तो उनको इस बार हमारे कल्चर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो अगर मौका लगा तो मैं आप लोगों को दोपहर में वहीं गोवा के दीदी कैफे में उनके जो भी आप लोग इंटरव्यू लेना चाहें वो उस समय कर सकते हैं, क्योंकि शाम टाइम संभव नहीं हो पाता, वो लोग अगर रात रुकना चाहेंगे तो ठीक है, क्योंकि फिर प्रोग्राम बहुत लेट हो जाता है, 9 बोलते हैं 9 खत्म कभी हो जाते हैं, इसलिए वो है नहीं 10 मिनट तो खत्म ही करना है, 144 अभी लगी हुई है। और इसकी सुनो